हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईक्यू ज्ञान। तो आज हम 24 मई का हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस इस वीडियो में हम करेंगे। एडिटोरियल्स और जो जो इम्पोर्टेंट खबर है उसको हम, जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है उसको हम यहाँ पर डिटेल में एनालिसिस करेंगे, और साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट इसमें टॉपिक्स है, जो जो टर्म्स हैं उसको भी हम डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपका जो पूरा न्यूज़पेपर जो है वो कवर हो जाए इस आधे घंटे 45 मिनट्स के वीडियो में। और इसमें इसके साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट हमारा अलग से वीडियोज हैं उसको भी आप देख सकते हैं, और जो इससे रिलेटेड भी कुछ वीडियोज हैं इकोनॉमिक्स का, बाकी कुछ उसका मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जिसको कि आप जरूर देखें, ताकि आपका जो प्रिपरेशन है वो पूरी तरह से आसानी से हो जाएगा, और जो डाउट्स हैं हो सकता है आपके वो क्लियर हो जाए। और एक और है कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें उसको, और लाइक जरूर कर दें नीचे में। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला आपका न्यूज है, सेंटर मेजोरिटी ऑफ स्टेट्स ऑप्ट टू होल्ड क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स। ये बेसिकली जो है क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम के लिए अभी तक एक ना संचय था कि भाई कराना है, कोविड को लेकर के कैसे कराना है। तो उस पर कल मीटिंग हुई थी सेंटर की स्टेट के साथ, तो उसमें बेसिकली ज्यादातर एक कंसेंसस हुआ कि इसको हमें कराना है, मस्ट बी हेल्ड दिस ईयर, उसको जरूर कराना चाहिए इस साल। और लेकिन उसके साथ साथ कुछ चेंजेस किए जाएंगे कोविड को देखते हुए, तो ऐसे कि अभी सजेशन है कि उसको शॉर्ट ड्यूरेशन ड्यूरेशन शॉर्ट किया जाए, कम देर के एग्जाम हो, एग्जाम सेंटर्स जो ज़्यादा बढ़ाया जाए, ताकि जो भीड़ ना हो एक सेंटर पे, और शेड्यूल्स में भी स्टैगर्ड, तो शेड्यूल्स जो है स्टैगर्ड कर सके, ताकि एक समय पर ज़्यादा स्टूडेंट्स वहाँ पे भीड़ ना हो कोविड को देखते हुए। तो स्टेट गवर्नमेंट इन्होंने बेसिकली 3 दिन का और समय दिया है अपना फीडबैक देने के लिए इसको लेकर के, आस्किंग देम टू रेस्पॉन्ड इन राइटिंग बाय ट्यूजडे ट्यूजडे तक, और स्टूडेंट को विल बी इन्फॉर्म बाय जून 1 तक स्टूडेंट को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा सीबीएसई के द्वारा कि एग्जाम कैसे होगा, कब होगा, बाकी सारी डिटेल्स। ये इंपॉर्टेंट क्यों है बेसिकली कि क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स एंड ऑल इंडिया एंट्रेंस टेस्ट जो है वो बेसिकली फ्यूचर्स और डिफाइनिंग कैरियर होगा। इसके बाद जो बेसिकली स्टूडेंट जो है अपना जो स्ट्रीम है, जो कैरियर फोकस्ड जो कोर्सेज हैं उस पर जाते हैं, कॉलेजेस का एडमिशन होना हुआ या फिर कुछ अपना इंट्रेंस एग्जाम आपको देना है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम देना है, तो 12th इसीलिए बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखते हैं इसके आगे क्या इसका रिकमेंडेशन आता है। नेक्स्ट जो आपका आर्टिकल है, वेरी सीवियर साइक्लोन यास टू हिट नॉर्थ उड़ीसा कोस्ट। तो ये बेसिकली साइक्लोन यास को लेकर के है। ये हमने देखा था साइक्लोन जो अभी बन रहा है, ये डिप्रेशन अभी ऑलरेडी और ओवर ईस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल इज वेरी लाइकली टू मूव इन नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में ये मूव करेगा। तो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में ये मूव करेगा बे ऑफ बंगाल से, और बेसिकली इंटेंसिफाई होगा साइक्लोनिक स्टॉर्म में। उड़ीसा वेस्ट बंगाल के बीच बिटवीन प्रदीप एंड सागर आइलैंड, तो ये मई 26 तक ये पॉसिबल किया एस्टिमेट किया जा रहा है कि मई 26 तक ये हिट करेगा उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के कोस्ट को एज ए वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, जैसा कि आपका तोकते था। ये वेरी सीवियर कैटेगरी जी होती है, इसकी स्पीड के बेसिस पे होती है, ऐसे कि इसका भी स्पीड बोला जा रहा है, जब ये 26 तारीख तक इसकी स्पीड तकरीबन 185 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, जो कि वेरी सीवियर साइक्लोन के ऊपर में, इससे ऊपर जो होता है सुपर साइक्लोन का कैटेगरी होता है, इसका मतलब स्पीड जो आपकी 220 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा है, जैसा कि अम्फन साइक्लोन एक तरह से था और पहले भी एक आया था साइक्लोन। तो ये कैटेगरी जो है स्पीड के बेसिस पे होती है, और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो है इसका नाम जो है ये नाम जो है यास, ये बेसिकली जो है ओमान ने दिया था। नेमिंग का भी हमने डिटेल वीडियो किया है, नेमिंग कैसे होती है, साइक्लोन का कैटेगराइजेशन कैसे होता है, सुपर साइक्लोन, वेरी सीवियर सुपर साइक्लोन, तो ये बेसिकली कैटेगराइजेशन स्पीड के बेसिस कैसे होता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन बनते कैसे हैं, और बे ऑफ बंगाल में इतने साइक्लोन्स क्यों आ रहे हैं, क्या उसके कारण है, उसको भी हमने डिटेल में एक वीडियो में किया, जिसका मैं लिंक यहाँ पे कार्ड में दे दूंगा, और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी आपके पास वो लिंक रहेगा, जिसको कि आप क्लिक करके जरूर देखें, आपको जो ट्रॉपिकल साइक्लोन के ऊपर में सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तोकते को लेकर हमने वीडियो बनाया था, बट उसमें सारे डिटेल्स भी सारा कुछ है जो आपको वीडियो में साइक्लोन के ऊपर में जो भी आपको जानकारी चाहिए उसमें आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट आपका आर्टिकल जो, इंडिया टू पुश फॉर WHO EU अप्रूवल फॉर कोवैक्सीन। तो जो कोवैक्सीन है जो इंडियन मैन्युफैक्चर इंडियन इंडिजियस मैन्युफैक्चरिंग है इंडिया का, तो इसको लेकर के गवर्नमेंट जो पुश कर रही है कि WHO से इमरजेंसी अप्रूवल लिस्टिंग हो जाए इसकी, और यूरोपियन यूनियन के से भी इसको अप्रूवल मिल जाए, यूरोपियन यूनियन यूरोपियन मेडिकल एजेंसी इससे अप्रूवल मिल जाए। इससे ये क्यों गवर्नमेंट कर रही है, तो बेसिकली ये जो है ट्रेवल रेस्ट्रिक्शन, अभी जैसे कि मेंबर्स ने यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स ने डिसाइड किया था कि हम जो है टूरिस्ट के लिए खोलेंगे, स्टार्ट करेंगे प्रपोजल टू अलाउ फुल्ली वैक्सीनेटेड टूरिस्ट। तो जो फुल्ली वैक्सीनेटेड मतलब जिनको जिन्होंने 2 डोज का वैक्सीन है जो भी है वो वैक्सीन उन्होंने ले लिया है, उनके लिए जो है यूरोपियन यूनियन यूरोप जो है वो अपना दरवाजा खोलेगा टूरिज्म के लिए,
और इसमें जो है कुछ कंडीशन है, बेसिकली उन्होंने कुछ वैक्सीन्स को इसमें रखा, मतलब कि उस वैक्सीन्स अगर आपने लगाया है तभी आपको यूरोपियन यूनियन में अलाउ होगा, आपको वैक्सीनेटेड माना जाएगा एक तरह से। उसमें कोवैक्सीन का नाम नहीं है क्योंकि ये WHO के लिस्ट में भी नहीं है, इसीलिए बेसिकली गवर्नमेंट अब पुश कर रही है कि इसको हम यूरोपियन यूनियन और WHO के लिस्ट में इसको लेके आए, ताकि जो है बाकी देश इसको रिकॉग्नाइज करे और जो इंडियंस जो लोगों ने इसे वैक्सीनेटेड हुए हैं कोवैक्सीन से, वो आसानी से इंटरनेशनली जो है रिकॉग्नाइज उनका वैक्सीनेशन हो। नीड फॉर रिकॉग्निशन ऑफ इंडियन मेड वैक्सीन एज वेल एज डिजायर टू पुश फॉर मोर एक्सपोर्ट ऑर्डर्स इन फ्यूचर। साथ ही साथ एक्सपोर्ट ऑर्डर भी गवर्नमेंट को इससे मिलेगा, भारत बायोटेक को, अगर वो इसका रिकॉग्निशन WHO से होता है तो। इसी से दूसरा जो इसका एक्सटेंशन आर्टिकल है 8वां नंबर पेज पर, तो WHO प्रोसेस में बेसिकली डिप्लोमेटिक WHO प्रोसेस में नहीं होता है, डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल पुश नहीं लिया जाता है, लेकिन यहाँ बेसिकली गवर्नमेंट क्या कर रही है कि मैन्युफैक्चरर जो है बेसिकली भारत बायोटेक उसके साथ मिलकर के कि वो क्या क्या डॉक्यूमेंट उनको सबमिट करना है सारा कुछ उसको पुश कर रही है एक तरह से। तो बेसिकली मैन्युफैक्चर की एबिलिटी पर ये डिसाइड होता है, उनको डॉक्यूमेंट देना पड़ता है WHO में, उसको बस आइडेंटिफाई उनको बेसिकली एजेंसी जो है वैलिडेट करती है, WHO वैलिडेट करती है। तो कोवैक्सीन वन ऑफ द 19 वैक्सीन जिसने एप्लीकेशन सबमिट किया है, 7 एप्लीकेंट जो ऑलरेडी अप्रूव कर दिया गया WHO ने उसको, जैसे इसमें फाइजर है, मॉडर्ना है, जॉनसन से जॉनसन का जेंसिन वैक्सीन है, चाइना का सिनोफार्म है, और एस्ट्राजेनेका का 3 वेरियंट्स है जिसमें इंडिया का जो कोविशील्ड वो भी इंक्लूडेड है। इस सबको ग्रीन लाइट मिल चुका है फॉर इमरजेंसी यूज लिस्टिंग के लिए। कोवैक्सीन को इसीलिए गवर्नमेंट चाह रही है कि इसको अभी लिस्टिंग हो जाए। जैसा कि हमने कहा कारण क्या है उसका हमने देखा, एक तो इंटरनेशनल उसको अप्रूवल मिलेगा, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिलेगा और एक्सपोर्ट के लिए भी फायदे होगा गवर्नमेंट को। अब हम एडिटोरियल की तरफ मूव करते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लग रहा हो तो इसको आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं आपको कैसा लगा वीडियो, और हम इसके अलावा जो आप आगे एडिटोरियल्स को देखेंगे और इंपॉर्टेंट आगे के न्यूज है, रिकैलिब्रेट ग्रोथ, रीप्रायोरिटाइज एक्सपेंडिचर। तो ये बेसिकली जो है इसमें पहले तो इन्होंने डेटा कुछ दिया जाता, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं कि कैसे जो है इकोनॉमी का ग्रोथ जो है अलग अलग एजेंसीज ने अलग अलग फोरकास्टिंग किया है, उसके बाद कुछ एजेंसी ने भी इसको डाउनग्रेड भी किया है, तो ये डिपेंड करता है कि कैसा इकोनॉमी का ग्रोथ रहता है, अभी इसको कहना मुश्किल है। तो ये बेसिकली अगर ना 8.7% रियल ग्रोथ भी रहता है तो नॉमिनल GDP ग्रोथ आपका 13.5% रहेगा, ये लोअर देन नॉमिनल ग्रोथ ऑफ 14.4% एज्यूम इन द यूनियन बजट। यूनियन बजट में इतना हमने अप्रोक्सीमेट किया था कितना जो है नॉमिनल ग्रोथ रहेगा इंडिया का 2021-22 में, तो इससे कम होने की आशंका है। तो दिस विल लीड टू लोअरिंग ऑफ टैक्स एंड नॉन टैक्स रिवेन्यू एंड इंक्रीज इन फिस्कल डेफिसिट। से ऑब्वियस बात है फिस्कल डेफिसिट ये सब जो है बजट का टर्म्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी का है, तो इसका हमारा डिटेल प्लेलिस्ट है उसको आप जरूर देखें, जिसमें हमने फिस्कल डेफिसिट, बजट डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट और टैक्स, ये आपका जो GDP नॉमिनल GDP ये सारा कुछ जो हमने डिटेल में बताया है, इससे आपको जो बेसिकली समझ में आएगा कि फिस्कल पॉलिसी कैसे बनती है, क्या उसमें है। इसके अलावा इन्होंने टैक्स बयोन्सी की बात की है, तो इसको मैं थोड़ा डिफाइन कर देता हूँ पहले, आपको समझने में थोड़ा आसानी होगा। तो एक तो रियल GDP और नॉमिनल GDP क्या होता है, नॉमिनल GDP हो गया करंट ईयर के प्राइसेस पर आप जो है GDP को आंक रहे हैं। GDP क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब कितना हमने प्रोड्यूस किया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट उसको हमने कितना प्रोड्यूस किया करंट ईयर प्रोडक्शन और करंट ईयर प्राइसेस पर ही, इसमें इन्फ्लेशन को हमने नहीं लिया है, इन्फ्लेशन को लेकर के है। रियल GDP में क्या होता है, बेसिकली हम करंट ईयर का ही प्रोडक्शन देते हैं लेकिन उसको हम वैल्यू करते हैं बेस ईयर प्राइसेस पर। बेस ईयर क्या होता है, बेसिकली हर चीज में अगर आप देखें WPI CPI को भी इंडेक्स है उसका एक हम बेस ईयर लेते हैं। बेस ईयर में क्या होता है, हम सारी सारी चीजों को जितने भी मान लीजिए हम WPI में हम 100 चीजों को मेजर कर रहे हैं, तो उन 100 चीजों का हम एक प्राइस रखते हैं कि इस साल में जो प्राइस है इसको हम बेस ईयर मान लिया, अगले साल जो है उस एक बेंचमार्क तरह से है, लेवल है उसके ऊपर हम फिर उसको नापते हैं, मेजर करते हैं, तो वही होता है बेस ईयर। तो रियल GDP में क्या होता है, हम बेस ईयर प्राइसेस को के हिसाब से हम देखते हैं कि आज का प्रोडक्शन हमारा कितना है वैल्यू, और उस हिसाब से GDP हम निकालते हैं, उसे कहा जाता है रियल GDP, और दूसरा होता है नॉमिनल GDP जिसको कि हम आज ही प्राइसेज जो है उसको हम देखते हैं। बेस ईयर कॉन्स्टेंट प्राइसेज, करंट अभी जो बेस ईयर है वो 2011-12 का हम फाइनेंशियल ईयर का बेस ईयर लेते हैं, अभी इसको चेंज किया जाता है थोड़े थोड़े सालों पर। इसका जो रेशियो है आपका नॉमिनल टू रियल GDP, ये GDP डिफ्लेक्टर कहलाता है, ये बेसिकली एक तरह से इन्फ्लेशन का आंकन, इन्फ्लेशन मापने का एक तरीका है, इंडेक्स है, जिस तरह से WPI है, CPI है, उसी तरह से ये भी एक इंडेक्स है जिसको जो इन्फ्लेशन देखता है। तो ये रियल GDP, उसके बाद टैक्स बियोन्सी की बात करें तो टैक्स बियोन्सी क्या है, ये भी GDP से रिलेटेड है कि GDP में चेंज होने पर कितना टैक्स कलेक्शन जो है गवर्नमेंट का, टैक्स रिवेन्यू कितना बढ़ रहा है या घट रहा है उसको हम नापते हैं, वो है आपका टैक्स बियोन्सी। ठीक है,
तो अगर टैक्स अगर रेस्पॉन्सिव है, टैक्स रेवेन्यू अगर ठीक है, तो रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ टैक्स रेवेन्यू ग्रोथ टू द चेंज जीडीपी, यानी कि जीडीपी चेंज करने पर अगर टैक्स रेवेन्यू बढ़ रहा है घट रहा है, ये इसको नापता है, देखता है कि रेस्पॉन्सिव है कि नहीं है, किससे रेस्पॉन्स होना, जीडीपी से वो रेस्पॉन्सिव है कि नहीं आपका टैक्स रेवेन्यू, टैक्स स्ट्रक्चर। टैक्स अगर बेवेंट है, इसका मतलब रेवेन्यू इंक्रीज करेगा, अगर टैक्स रेट को चेंज भी नहीं करेंगे तभी रेवेन्यू इंक्रीज करेगा, अगर जीडीपी इंक्रीज करेगी तो, इसका मतलब टैक्स बेवेंट है। ये वन ऑफ द की इंडिकेटर टू असेस द एफिशिएंसी ऑफ द गवर्नमेंट टैक्स सिस्टम। जैसे मैंने कहा, टैक्स सिस्टम का देखता है कि वो एफिशिएंट है कि नहीं, क्योंकि जीडीपी अगर ग्रो करेगा तो ऑब्वियस सी बात है आदमी आदमी का इनकम भी ग्रो करेगा तरह से, और उससे इसके साथ साथ टैक्स जो रेट, टैक्स रिवेन्यू जो गवर्नमेंट की, वो आमदनी बढ़ेगी, ये होना चाहिए नॉर्मल, इसे हम कहते हैं टैक्स बेयोन्सी। तो इसी चीज को भी देखकर टर्म्स को यहाँ पे यूज किए गए हैं, टैक्स बेयोन्सी बताया गया कितना एज्यूम किया गया है। तो ये सब बेसिकली टेक्निकल है, इसमें कुछ ज्यादा कुछ है नहीं, फैक्चुअल फिगर्स है। तो एसेट मोनेटाइजेशन डिस इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम गवर्नमेंट का बेसिकली इस साल नहीं हो पाया, जो गवर्नमेंट का बजट में गवर्नमेंट ने जो एस्टिमेट किया था कि भाई हम एसेट्स को मोनेटाइज करेंगे, जो पीएसयू डिस इन्वेस्टमेंट करेंगे, ताकि हमें पैसा आ सके और हमारा डिफिसिट जो है वो कम हो सके, लेकिन इस साल क्योंकि कोविड को देखते हुए ये मुमकिन नहीं दिख रहा है, तो ये इस सब को देखते हुए इन्होंने बेसिकली एस्टिमेट किया कि फिस्कल डेफिसिट जो है इस साल रहेगी तकरीबन ऑफ 6.76% ऑफ जीडीपी रहने का अनुमान है, सॉरी इससे ज्यादा रहेगा, तो ये गवर्नमेंट का अनुमान है बेसिकली। तो स्लिपेज इन फिस्कल डिफिसिट विच मे बी क्लोज टू 7.7% जीडीपी, ये बेसिकली अनुमान इन्होंने लगाया है राइटर ने, 7.7% हो सकता है। ये टोटल एक्सपेंडिचर आर केप एट बजटेड लेवल, अगर बजटेड लेवल पर आप एक्सपेंडिचर रखते हैं तो, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, देर इज ए केस फॉर रीप्रायोरिटाइजिंग दिस एक्सपेंडिचर। तो अगर एक्सपेंडिचर को आपको उतना पे ही रखना, मान लीजिए आपने एस्टिमेट किया कि हम 1,000 करोड़ या 2,000 करोड़ हम खर्च करेंगे, तो उसको लेकिन आपको रीप्रायोरिटाइज करना है, मतलब कि सही जगह पे आपको यूज करना है, कैसे वो यहाँ पे बताया है कोविड को देखते हुए। तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के सभी आर्टिकल आप देख रहे हैं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट को ज्यादा एक्सपेंडिचर करने की जरूरत है, नीड टू रैम्प अप हेल्थ एंड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, इनहेंसिंग द नंबर ऑफ हॉस्पिटल बढ़ाइए, हॉस्पिटल बेड्स बढ़ाइए, ऑक्सीजन सप्लाईज, मैन्युफैक्चर ऑफ कोविड 19 वैक्सीन, ये सब चीजों पे गवर्नमेंट को ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, खर्च ज्यादा करना चाहिए। द एलोकेशन फॉर हेल्थ सेक्टर शुड बी इंक्रीज सब्सटेंशियली बाय रीप्रायोरिटाइजिंग। तो एग्जिस्टिंग जो आपका एक्सपेंडिचर आपने कर रखा है कि हम यहाँ यहाँ इस सेक्टर में इतना इतना खर्च करेंगे इस साल में, उसको आप चेंज कीजिए, अगर आपको लिमिट उतना ही रखना है तो आप चेंज कीजिए और हेल्थ सेक्टर में आप ज्यादा एक्सपेंडिचर कीजिए, देखते हुए कोविड को देखते हुए और थर्ड वेव का जो अनुमान लगाया जा रहा है उसको देखते हुए। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज विद इन हेल्थ सेक्टर होना चाहिए, ऑन इंडक्टिंग लार्ज वर्क, उसके अलावा लार्ज वर्कफोर्स डॉक्टर्स का, नर्सेज का, पैरामेडिक्स का जो अभी कमी है ह्यूमन रिसोर्स का, उसको आपको भरना चाहिए। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इन नीडेड फॉर वल्नरेबल ग्रुप्स, वल्नरेबल ग्रुप जैसे माइग्रेंट वर्कर हो गया, रूरल अर्बन अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन हो गया, उसके लिए भी सपोर्ट आपको देने की जरूरत है, क्योंकि उनकी नौकरी चली गई है, उनके पास खाने को पैसा नहीं है, तो वहाँ पे भी आपको पैसे खर्च करने की जरूरत है। इसके अलावा स्पीडी एंड लार्जर वैक्सीनेशन कवरेज ऑफ वल्नरेबल पॉपुलेशन, स्पेशली जैसे कि माइग्रेंट हो गए, जो काम रोजगार के लिए डेली जा रहे हैं, उनको जल्दी जल्दी वैक्सीनेट कराने की जरूरत है, सीइंग दी थर्ड वेव का जो लाइक्लीहुड है। इसके लिए इन्होंने कॉस्ट भी एस्टिमेट किया, अगर 12 साल से ऊपर के हम इन्हें पॉपुलेशन को देखें तो 109 करोड़ का है तकरीबन, इसके लिए अगर 300 रुपये हम पर डोज को रखते हैं, 218 करोड़ डोजेज हमें चाहिए होंगे, डबल अगर हम दो डोजेज की बात करें तो 300 रुपये पर डोज रखें तो ये अमाउंट हो जाता है आपका 65,108 करोड़ का अमाउंट आपको चाहिए पूरे इस पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करने के लिए। तो इंटर स्टेट अभी आप देख रहे हैं अलग अलग है, कुछ स्टेट में वैक्सीनेशन हो रहा है, कुछ में कम हो रहा है, कुछ में ज्यादा हो रहा है, तो इसको गवर्नमेंट को टेकअप करना चाहिए, गवर्नमेंट को सेंट्रली प्रोक्योर करना चाहिए वैक्सीन। क्यों करना चाहिए, हमने पहले भी देखा है कि इकोनॉमी जब स्केल होगा, क्योंकि अगर एक आप प्रोक्योर कर रहे हैं तो आप लार्ज क्वांटिटी में खरीदिएगा, तकरीबन मान लीजिए आप 218 करोड़ खरीदिएगा, स्टेट्स खरीदेंगे क्या है वो 50 करोड़ 100 करोड़ खरीदेंगे, तो आप ज्यादा खरीदेंगे तो अभी से बात आप निगोशिएट कर सकते हैं उससे और दाम को कम कर सकते हैं, बार्गेनिंग पावर आपकी ज्यादा रहेगी और प्राइसेज वैक्सीन के कम होंगे, इससे क्या है आपका ओवरऑल जो कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगा वैक्सीनेशन पे, ये पूरा इकोनॉमी जब स्केल है। इसके अलावा हेल्थ पे आपको एक्सपेंडिचर बढ़ाने की जरूरत है, ये मोटा मोटी यहाँ पर कहा गया है। ये हमने देख लिया टर्म्स जो यहाँ पे यूज हुए हैं जीडीपी को लेकर के। इसके अलावा आप जरूर, जैसे मैंने कहा फिस्कल पॉलिसी का वीडियो और जो इंडियन इकोनॉमी का वीडियो, उसको आप जरूर देखें। इसके अलावा एनसीईआरटी का जो वीडियो है क्लास 12 का, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें बेसिक जो है बताए गए हैं उसको भी आप जरूर देखें। नेक्स्ट आपका जो है डिफ्लेटिंग इंडिया कोविड ब्लैक मार्केट बूम, तो ये बेसिकली जो ब्लैक मार्केटिंग जो कोविड के समय हम देख रहे हैं कि फेक तो दवाइयां बिक रही है, ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है, दाम ज्यादा लिया जा रहा है ऑक्सीजन का हो या फिर आपका जो रेमडेसिविर या जो बाकी इंपॉर्टेंट दवाइयां हैं, कुछ कुछ हमने देखा कि फेक ऑक्सीजन सिलेंडर्स दिए जा रहे हैं, फायर एक्सटिंग्विशर, फेक दवाइयां दी जा रही है,
तो ये बेसिकली इसको लेकर इन्होंने बोला है कि ये इस पे गवर्नमेंट को यहाँ पर सचेत होने की जरूरत है, कुछ करने की जरूरत है। तो वेकअप कॉल टू रिविजिट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी एंड मैप इट लिमिटेशन। एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी जो इसमें काम में लगी हुई है, इसको हमें फिर से देखने की जरूरत है। तो मोस्टली जो है कंट्रोल होता है स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है रेमडेसिविर का, और ऑक्सीजन सप्लाई ज्यादातर यूनियन यूनियन गवर्नमेंट देखती है इसको। येट सिटीजन आर अप्रोचिंग एलियन सोर्सेज टू प्रोक्योर मेडिकल सप्लाई। तो ये हम देख रहे हैं ट्विटर पे, बासी फेसबुक पर SOS कॉल हम देखते हैं। तो लोग जो है बेसिकली दूसरे लोगों से, ऑर्गेनाइजेशन से बेसिकली अप्रोच कर रहे, क्योंकि उनको ये चीजें नहीं मिल पा रही है। तो ये बेसिकली वेकअप कॉल एक तरह से एडमिनिस्ट्रेशन जो इसमें लगा हुआ है, गवर्नमेंट जो लगी हुई है, कि आप जो है एफिशियंटली काम नहीं कर रहे हैं, लोगों को दूसरे लोगों के पास जाना पड़ रहा है। ओवरवेल्म एंड हेल्पलाइन नंबर्स आर इनंडेटेड विद कॉल्स। जो हेल्पलाइन नंबर गवर्नमेंट ने जारी किया, वो बेसिकली उसमें बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, ओवरवेल्म है, जितना आना चाहिए उससे ज्यादा आ रहा है, रेस्पॉन्स सही नहीं है वहां पर, बेसिकली लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है। तो इनएसेसिबिलिटी, इरेडंडेंट एंड लॉन्ग कम्युनिकेशन प्रोसेस फ्लो एंड डिले इन रेंडरिंग रेस्पॉन्सेज, ये सारा कुछ कारण है रिलायबिलिटी ऑफ दी हेल्पलाइन। हेल्पलाइन जो है रिलायबल नहीं है लोगों को लग रहे हैं। एनी मार्केट, कोई भी मार्केट हो, ब्लैक और अदरवाइज, ये जो भी पनपता कैसे वो कैसे खड़ा होता है, बेसिकली वो डिमांड कंज्यूमर ड्रिवेन होता है, डिमांड सप्लाई के बेसिस पे होता है। तो अगर ये ब्लैक मार्केट हो रहा है, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, इसका कारण क्या है कि भाई जो कंज्यूमर में ज्यादा डिमांड है और सप्लाई जो गवर्नमेंट उसको नहीं कर पा रही है, एक लॉक इकलौता इसका कारण है। इसीलिए गवर्नमेंट को सप्लाई जो उसको टाइट करने की जरूरत है, उससे क्या होगा बेसिकली ऑटोमेटिकली जो ब्लैक मार्केटिंग है वो खत्म हो जाएगी। तो हॉस्पिटल बेड बुकिंग स्कैम भी हमने देखा, होर्डिंग ऑफ कोविड वैक्सीन, VIP कल्चर, तो ये सब चीज़ों को गवर्नमेंट को टेकअप करने की जरूरत है, देखने की जरूरत है। तो फोर्स द पब्लिक टू लुक एल्सवेयर फॉर सोर्सेस। तो इससे लोग जो बेसिकली, क्योंकि गवर्नमेंट उसको हेल्प नहीं कर रही, तो लोग जो है दूसरे जगहों पर जा रहे हैं और हेल्प के लिए दूसरे जगहों पर जाने की उनको मजबूर होना पड़ रहा है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म नीड टू बी एक्सपेंडेड क्वालिटेटिवली और क्वान्टिटेटिव, दोनों को हम एक्सपेंड करना होगा। न्यूडस वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी काम करे, उसको हमें हमें इनरोल करना चाहिए, उनका हेल्प लेना चाहिए, गवर्नमेंट सपोर्ट देने की जरूरत है। स्टेट मशीनरी नीड टू आइडेंटिफाई सच ग्रुप्स, उनको आइडेंटिफाई करे, ट्रेनिंग दे आप उनको, ऑप्टिमाइज देम एंड डिप्लॉय देम ऑन प्रायोरिटी बेसिस। वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन जो NGO जैसे काम कर रहे हैं, ऑपरेशनलाइज टेक्नोलॉजिकल नॉलेज इन ऑर्डर टू ईज द कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस उसको हमें कम करने की जरूरत है, आसान करने की जरूरत है टेक्नोलॉजी को यूज करके हुए। एक्सप्लोर प्लानिंग मॉडल नॉट ओनली टू एलोकेट रिसोर्सेज जुडिशियली एंड बट ऑल्सो फॉलो अप ऑफ द इंटायर प्रोसेस। ये हमें जरूरी है कम्युनिकेशन में बेसिकली, जुडिशियली जो रिसोर्सेज हमारे पास ऑलरेडी मेडिसिन है, उसको सही तरीके से हम एलोकेट करें, और साथ ही साथ जो फॉलो अप लिए थे वो हमने जो ऑर्डर किया था वो फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये सब बेसिकली इन्होंने ब्लैक मार्केटिंग उससे रोकने के, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी में क्या चेंजेस लाने की जरूरत है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या हमें चेंजेस करने की जरूरत है। इसको आप लिख सकते हैं पेंडेमिक के रेस्पॉन्स कैसा होना चाहिए गवर्नमेंट का, पेंडेमिक रेस्पॉन्स से नॉर्मल में एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन में GS पेपर 2 में आपका आई थिंक ये आप इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका एडिटोरियल है, गारंटर्स बीवेयर, ये बेसिकली जो कल हमने देखा डिटेल में, इसको सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया गवर्नमेंट के फेवर में, कि जो पर्सनल गारंटर्स हैं किसी लोन के अगेंस्ट में, उन्होंने कुछ कंपनी के अगेंस्ट उन्होंने कुछ पर्सनल गारंटी दिया है प्रमोटर्स ने लोन के लिए, तो वो भी लायबल होंगे अगर वो कंपनी बैंकरप्ट होती है, इंसॉल्वेंसी में जाती है, तो उनकी गारंटी भी जब्त कर सकती है बैंक, उनकी गारंटी को भी आप जो है इनकैश करा सकती है, बैंक जो इनकैश करा सकती है अगर उनको लोन जो है उनका उनको चाहिए पैसा जो लोन लेना है। तो ये अभी तक अनसर्टेनिटी था, इससे जब भी ये सर्टेन कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, इसको गाइडलाइन को सही माना है, कंस्टिट्यूशनल माना है। क्या फायदा होगा, हेल्पिंग एक्सपेडाइट द रिजोल्यूशन प्रोसेस, रिजोल्यूशन प्रोसेस जो जल्दी जल्दी होगा आपका, और जो लोन बहुत बार क्या होता था गवर्नमेंट बैंक्स को लोन बहुत जो रिकवरी होती थी तो बहुत कम हो जाता था, वो कि कंपनी का एसेट्स ही आप बेच सकते थे, अब अगर पर्सनल गारंटर्स का भी एसेट आप यूज कर लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो आपका जो लोन रिकवरी ज़्यादा होगी, ये भी एक फायदा है, बैंकों का लोन जो है ज़्यादा पैसा जो उनको ज़्यादा मिलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इंटीमेट कनेक्शन बिटवीन सच इंडिविजुअल्स एंड कॉर्पोरेट एंटिटीज, कनेक्शन है इसमें टू होम दे स्टूड गारंटी, बैंक्स नाउ स्टैंड रियल चांस ऑफ रिकवरिंग सस्टेंसली मोर। तो बैंक जो है रिकवरी उनकी ज़्यादा होगी, अब ज़्यादा पैसा उनका जो लोन मान लीजिए 1,000 करोड़ का था, मान लीजिए अभी तक हो सकता है उनको 600 करोड़ मिल रहा था आपका, मान लीजिए 500 करोड़ मिल रहा था आपका कंपनी के एसेट्स को बेच उच के, अब अगर गारंटर का एसेट जोड़ दे, मान लीजिए वहाँ पे 100 करोड़ मिलता है या 200 करोड़ भी मिलता है, तो उनको यहाँ पे फायदा होगा 100 करोड़ का। ठीक है, तो ये बेसिकली का जजमेंट क्लियर द एयर ओवर एनदर इशू इज बाउंड टू स्ट्रेंथन द क्रेडिटर्स पोजिशन, क्रेडिटर यानी कि बैंक्स का पोजिशन और मजबूत किया गया इसमें, जितने भी प्रोसीडिंग्स है
कि नाउ प्रोसीड अगेन गारंटर टू इनहेंस रिकवरी, तो उनकी रिकवरी बढ़ सकती है। इसके साथ एक कंसर्न भी है कि इंटरप्रेनर जो है वो अब ना हैव टू थिंक ट्वाइस, जो नए इंटरप्रेनर से उनको दो बार सोचना पड़े कि जब वो पर्सनल गारंटी दे कि भाई जिस कंपनी को अगेंस्ट वो गारंटी दे रहे हैं वो बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है अनदर चैलेंज, ये बेसिकली जो म्यूकोरमाइकोसिस के केस के बारे में बताया जो बढ़ रहा है तो उसको लेकर के इन्होंने कंसर्न बताया कि आखिर जो गवर्नमेंट को करने की जरूरत है गवर्नमेंट ने किया है। पहला तो हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा कि इसको आप नोटिफाई कर दीजिए सारे स्टेट्स को कहा, इससे क्या होगा कि जितने भी सस्पेक्टेड या कंफर्म केसेज होंगे प्राइवेट फैसिलिटीज में या कहीं पर भी आप होगा तो उसको रिपोर्ट करना होगा स्टेट गवर्नमेंट को। इससे गवर्नमेंट के पास डेटा होगा कि भी कितने केसेज आ रहे हैं, कितनी हमें दवाइयाँ की जरूरत है और केसेज को हम टैकल कर सकते हैं। ठीक है, डेटा नहीं होगा तो पॉलिसी बनाना मुश्किल है। ये बेसिकली कैसे होता है, मॉर्स कॉल म्यूकोर माइकेट्स विच आर कॉमनली फाउंड, ज़्यादातर जनरली ऐसे मिलता है इन्वायरमेंट में रहता है ऐसे भी। फंगाई लार्जली हार्मलेस अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में हार्मलेस होता है, लेकिन कोविड 19 के कारण विद अनकंट्रोल्ड डायबिटीज जिनका है और स्टेरॉइड थेरेपी जिनको हुआ तो वो ज़्यादा इन्फेक्शन के रिस्क में हैं, जैसा कि हमने देखा है इस डिजीज के। तो इवन वेन ब्लड शुगर जनर कंट्रोल इनडिस्क्रिमिनेट स्टेरॉइड यूज, स्टेरॉइड यूज ज़्यादा अगर आप कर रहे हैं कोविड 19 ट्रीटमेंट में, ज़्यादा अगर सही तरीके से नहीं यूज हुआ है तो उसमें ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है और सच पेशेंट मोर ससेप्टेबल, वो ज़्यादा ससेप्टेबल हो सकते हैं इन्फेक्शन के, इस इन्फेक्शन के। तो वाइल WHO स्ट्रांगली रिकमेंड कॉर्टिस्टेरॉइड्स, ये जो है बेसिकली आपको जो सिर्फ सीवियर और क्रिटिकल कोविड पेशेंट्स में ही यूज करना है, नॉर्मल माइल्ड मॉडरेट सिम्टम्स में आप स्टेरॉइड का यूज ना करें। लेकिन ये बेसिकली यूज हो रहा है बहुत बार, इंडिस्क्रिमिनेट ड्रग यूज हो रहा है इंक्लूडिंग स्टेरॉइड्स, इसको इसीलिए बेसिकली गवर्नमेंट को क्लियर गाइडलाइन लाने की जरूरत है ताकि इसको जो है सिर्फ सीवियर सिम्टम्स में क्रिटिकल केयर क्रिटिकल कोविड पेशेंट में इसको यूज किया जाए, वो भी हॉस्पिटल्स में डॉक्टर जो है सही तरीके से यूज करें उसको और ब्लड शुगर लेवल को भी देखते रहें साथ ही साथ। मोर इम्पोर्टेंट, कोविड 19 पेशेंट विद डायबिटीज जिनको है, कंट्रोलिंग ब्लड शुगर लेवल विद यूजिंग इंसुलिन कैन हेल्प प्रिवेंट इन्फेक्शन, तो इस शुगर लेवल कंट्रोल करने की जरूरत है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने क्या किया, जो मेडिसिन है एक तरह से इंजेक्शन जो है एम्फोटेरिसिन टेरिसिन बी जो है, इसको अभी तो 5 मैन्युफैक्चरर जो है इसका प्रोडक्शन इन्होंने बढ़ाया है, इसके साथ 5 और कंपनी को लाइसेंस दिया गवर्नमेंट ने ताकि सप्लाई जो है बढ़ सके देखते हुए कि इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ रहा है। अगर आप अर्ली इसको डिटेक्ट कर लेते हैं तो ये क्योर भी हो सकता है बिना सर्जरी के, इसीलिए जरूरत है पेशेंट को कि उसको अर्ली डिटेक्शन, हाँ सिम्टम दिखता है तो वो हॉस्पिटल में जाए और अपना इलाज करवाएं। नेक्स्ट जो आपका आर्टिकल है, इंट्रोड्यूस मेनी बेनिफिट्स ऑफ एन इको टैक्स, इकोलॉजिकल या एनवायरमेंट टैक्स का बेसिकली उन्होंने वकालत की है कि वो सही कैसे है। तो एक तो यहाँ पे पहली बात इन्होंने बताया कि हेल्थ एक्सपेंडिचर जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर वो इंडिया में काफ़ी हाई है, इसको हम पहले भी देखा है। WHO ने बेसिकली जो डेटा दिया है तो उसके 11 का डेटा इन्होंने बताया है, तो अगर 10% से ज़्यादा एक्सपेंडिचर हम देखें आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर इंडिया में, तो 17.33 पॉपुलेशन जो है इंडिया में आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर उनका 10% से ज़्यादा है हेल्थ पे। ये रूरल एरिया में देखें तो और भी ज़्यादा है ये परसेंटेज, आपका ज़्यादा लोग होंगे। और ग्लोबल एवरेज कितना है आपका, 12.67%, तो इंडिया का जो ग्लोबल एवरेज से भी इंडिया का ज़्यादा है रेट। और 12.767% पॉपुलेशन स्पेंट मोर देन 10% ऑफ इनकम आउट ऑफ पॉकेट, तो ये ग्लोबल लेवल है आपका है। 3.9% जो है वो 25% ज़्यादा उनका जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हेल्थ पे होता है। तो ये मतलब फिगर देखने में बेसिकली क्या है कि आपको गवर्नमेंट को पब्लिक स्पेंडिंग जो हेल्थ पर उसको बढ़ाने की जरूरत है। यहाँ पे इसको कहा भी गया, इकोनॉमिक सर्वे ने भी कहा था कि अगर हम गवर्नमेंट जो अपना एक्सपेंडिचर जो है हेल्थ पर 1% ऑफ GDP से बढ़ा करके 2.5 या 3% करती है तो इससे क्या होगा, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो है 65% जो अभी है आपका वो घट करके 30% हो जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि GDP गवर्नमेंट को पब्लिक एक्सपेंडिचर जो करना हेल्थ पर वो बढ़ाना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे जब कहा गया रीथिंक क्लाइमेट चेंज एंड नीड फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट, कोविड को देखते हुए ये बहुत ही जरूरी है, इसका इन्होंने बताया कि कैसे हम इसको इन्वायरमेंट रेगुलेशन इन्वायरमेंट टैक्स कैसे हम कर सकते हैं। गवर्नमेंट इन्वायरमेंट रेगुलेशन का बहुत सारा फॉर्म हो सकता है, जैसे कमांड एंड कंट्रोल हो गया, इकोनॉमिक प्लानिंग हो गया, अर्बन प्लानिंग में हम कर सकते हैं इन्वायरमेंट रेगुलेशन ला सकते हैं, टैक्स हो सकता है, सब्सिडी दे सकते हैं, टैक्स का निगेटिव आपका सब्सिडी हो गया, मतलब कि अगर कोई इन्वायरमेंट इफिशियंट है तो उसको हम सब्सिडी दे दें, जो इन्वायरमेंट को निगेटिव इंपैक्ट कर रहा है उसको हम टैक्स कर दें, कैप एंड ट्रेड, तो ये सब चीज़ें फॉर्म हो सकता है जो अलग अलग देशों ने अपनाया है। इंडिया अभी जो फोकस इंडिया का है कमांड एंड कंट्रोल अप्रोच है इन टैकलिंग पॉल्यूशन, पॉल्यूशन को टैकल करने में। तो इको टैक्स रेट ऑट टू बी इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट सोशल कॉस्ट अराइजिंग फ्रॉम द निगेटिव एक्सटर्नलिटी, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट टैक्स जो है क्या होना चाहिए, बेसिकली
सोशल कॉस्ट अराइजिंग ऑफ नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, तो नेगेटिव जो किसी चीज का नेगेटिव इम्पैक्ट है उससे जो सोशल कॉस्ट हो रहा है, उससे जो उसका जो कीमत है वो इक्वल टू एक टैक्स होना चाहिए किसी सामान पे। मान लीजिए कोई गुड्स है, एक फूड है, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट जो पड़ रहा है इन्वायरमेंट पे, उसका कॉस्ट जो है हम निकाल करके इसको आप टैक्स कर दें, ताकि इससे जितना रिवेन्यू है आप उस निगेटिव को आप न्यूट्रलाइज कर सकें। ये बेसिकली फंडा होना चाहिए। इसीलिए आपको इवेल्युएशन ऑफ डैमेज, आपको ऑब्वियस सी बात है किसी सामान का, आपको हर सामान का जो डैमेज कितना वो कर रहा है इन्वायरमेंट को, उसको आपको असेस करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। इन्वायरमेंटल टैक्स रिफॉर्म जनरली इन्वॉल्व थ्री कम्प्लीमेंट्री एक्टिविटीज, एलिमिनेटिंग एग्जिस्टिंग सब्सिडी एंड टैक्सेस दैट आर हार्मफुल इन्वायरमेंट। तो इसके लिए आपको टैक्स रिफॉर्म क्या करना है इन्वायरमेंट के लेकर के, एक तो जो एग्जिस्टिंग सब्सिडी या टैक्स आपने दे रखा किसी जिसका कि हार्मफुल इम्पैक्ट है, उसको आप हटा दीजिए इन्वायरमेंट पे। रिस्ट्रक्चरिंग जो एग्जिस्टिंग टैक्स है उसको रिस्ट्रक्चर कीजिए कि इन्वायरमेंट को वो सपोर्ट करे, और नया इन्वायरमेंट टैक्स को आप लेके आए। ये तीन स्टेप गवर्नमेंट को लेने की जरूरत है इन्वायरमेंट टैक्स के लिए। अब बात करते हैं टैक्स जो, या तो रिवेन्यू न्यूट्रल हो सकता है, मतलब रिवेन्यू का पे उस पर कोई असर नहीं पड़े, यानी कि रिवेन्यू जितना था उतना ही रहेगा, और या फिर रिवेन्यू ऑगमेंट हो सकता है, रिवेन्यू बढ़ सकती है उस टैक्स से। अगर ये रिवेन्यू ऑगमेंटिंग है तो एडिशनल रिवेन्यू जो आएगा आपका उसको आप टारगेट कर सकते हैं प्रोविजन ऑफ इन्वायरमेंट पब्लिक गुड्स, इन्वायरमेंटल पब्लिक गुड्स, उससे आप लोगों को दे सकते हैं या रिवेन्यू पूल में डाल सकते हैं, जनरली वाली पूल जो है। तो इन्वायरमेंट पब्लिक गुड्स जो आप लोगों को दे सकते हैं, उस पैसा आपको जो आएगा इन्वायरमेंट टैक्स से उसको आप यूज कर सकते हैं इन्वायरमेंट के बेनिफिट के लिए ही। इन इंडिया इको टैक्स कैन टारगेट थ्री मेन एरिया, तीन मेन एरिया को हम टारगेट कर सकते हैं। एक डिफरेंशियल टैक्सेशन ऑन व्हीकल्स इन ट्रांसपोर्ट सेक्टर प्योरली ओरिएंटेड टुवर्ड्स फ्यूल इफिशियंसी, फ्यूल इफिशियंसी बढ़ाने के लिए हम जो है ट्रांसपोर्ट सेक्टर में व्हीकल्स पर हम टैक्स कर सकते हैं। जो फ्यूल इफिशियंट व्हीकल है उसको हम टैक्स कम करेंगे, जो फ्यूल इनइफिशियंट व्हीकल्स है उसको हम ज़्यादा टैक्स करेंगे, ताकि लोग जो है फ्यूल इफिशियंट व्हीकल की तरफ मूव करें, और अगर फ्यूल इनइफिशियंट व्हीकल आपका है तो आप ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं, और उस टैक्स को यूज करके जो हम इन्वायरमेंट को हम ठीक कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्या, एनर्जी सेक्टर बाय टैक्सिंग फ्यूल्स विच फीड इन टू एनर्जी जनरेशन। तो फ्यूल्स को हम टैक्स कर सकते हैं जो जिससे एनर्जी जनरेशन हो रहा है आपका, वेस्टेज जो है, और वेस्ट जनरेशन एंड यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो वेस्ट जनरेशन में हम जो है बेसिकली इसको यूज कर सकते हैं रिवेन्यू को, जो टैक्स से जो रिवेन्यू आएगा हमका, ताकि हम उसको अच्छे से और ज़्यादा बढ़ा सके। इसके अलावा इंटीग्रेट इन्वायरमेंटल टैक्स इन जीएसटी, जीएसटी में भी हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसका तीन बेनिफिट होगा बेसिकली टैक्स, इन्वायरमेंटल टैक्स का, फिस्कल, इन्वायरमेंटल और पॉवर्टी रिडक्शन, तीनों में ये बेनिफिट करेगा। कैसे, पहला फिस्कल हमने देख लिया कि रिसोर्सेज आएगा तो अभी तक आपका आपके पास रिवेन्यू आएगा तो आपको फिस्कल पॉलिसी, आपकी जो फिस्कल प्रूडेंस है वो बढ़ेगी। तो फाइनेंस पब्लिक बेसिस पर ये सर्विस आप कर सकेंगे। इन्वायरमेंट पर जैसे हम देखा इफेक्ट करेगा, पॉवर्टी रिडक्शन को भी वो इफेक्ट करेगा। इन फाइनेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी आप फाइनेंस कर सकते हैं, नई टेक्नोलॉजी में इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी, उसमें आप रिसर्च कर सकते हैं इस पैसों से यूज करके। ये कहा जाता है कि इस इन्वायरमेंट रेगुलेशन आप लेके आते हैं टैक्स करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर के इम्पैक्ट करेगा, इंडस्ट्रीज को इम्पैक्ट करेगा, लेकिन यूरोपियन एक्सपीरियंस दिखाता है कि नो एविडेंस ऑन ग्रीन टैक्सेज विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स लीडिंग टू नो ग्रोथ इकोनॉमी, ऐसा कुछ नहीं है, इसीलिए निगेटिव इम्पैक्ट जीडीपी पे आने की चांसेस कम है। ये पूरा आर्टिकल जो आपका मान लीजिए आप जीएस पेपर थ्री है इन्वायरमेंट में, उसमें आप इन्वायरमेंट टैक्स कैसा होना चाहिए, क्या क्या उसमें हम कर सकते हैं और क्या उसके फायदे हैं, उस चीजों को आप यहाँ पे लिख सकते हैं इस आंसर से यूज करके। नेक्स्ट आपका है व्हाट्सएप एंड इट्स ड्यूबियस क्लेम। तो ये बेसिकली व्हाट्सएप को प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर जो कोर्ट में अभी बातें चल रही है, कोर्ट सेंटर ने भी कहा है कि आप इसको वापस लीजिए। तो इसको है बेसिकली इन्होंने डिफेंड जो किया व्हाट्सएप ने, इसका इसमें बेसिकली क्रिटिसिजम एक तरफ से है। तो व्हाट्सएप ने डिफेंड किया अपनी पब्लिक प्राइवेसी पॉलिसी को। पहले तो व्हाट्सएप ने कहा कि जितने भी बाकी एप्स हैं जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब हो गया, गवर्नमेंट का जो ऐप आरोग्य सेतु, इंडिया संदेश, ये सब बेसिकली भी सेम सिमिलर पॉलिसीज है और रिलाइंग ऑन कलेक्टिंग योर डेटा, तो हमारी पॉलिसी भी गलत नहीं है। और व्हाट्सएप ने कहा कि जो यूजर हमारे पॉलिसीज एग्री नहीं करते वो हमारे सर्विस को डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। इस पर इन्होंने कहा कि ये मुश्किल है कि लोग जो इसको छोड़ेंगे, क्यों, तो अर्बन एरिया तो ठीक है, रूरल एरिया में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज है और हेल्प है। कैसे, ड्यू टू डिजाइन ऑफ द ऐप व्हाट्सएप हैज इनहेरेंट एडवांटेज ऑफ इस विथ इस मैसेजिंग एंड ऑडियो वीडियो
कॉलिंग इवन इन लो बैंडविथ इंटरनेट एरिया। तो लो बैंडविथ एरिया में भी ये जो है आप इसको यूज कर पा रहे हैं, ऑडियो वीडियो कॉलिंग हो पा रही है, ये इसका एडवांटेज है। तो रूरल एरिया में अभी भी इस पे ज्यादा रिलायबिलिटी है। अर्बन एरिया में बात करें तो हम सिग्नल टेलीग्राम दूसरे ऐप्स को यूज कर सकते हैं, बट रूरल एरिया में अभी इस पे ज्यादा रिलायबिलिटी है। तो दस मास माइग्रेशन व्हाट्सएप को छोड़ के दूसरे में जाना ये मुश्किल है, नियर इम्पॉसिबल है वेंडर इस चीजों को देखते हुए। व्हाट्सएप जो पॉलिसी में अपना कह रहा है कि न्यू प्राइवेसी पॉलिसी में कि ये सिर्फ एप्लीकेबल होगा ओनली टू बिजनेस वर्जन ऑफ ऐप, उस पर एप्लीकेबल है, तो ये सही नहीं बेसिकली, क्योंकि जो मेटा डेटा आप कलेक्ट करेंगे फ्रॉम नॉन बिजनेस वर्जन आर ऑलरेडी बीन एक्सचेंज विद अदर सर्विसेज ऑफ फेसबुक। ऑलरेडी आप इसको एक्सचेंज कर रहे हैं फेसबुक या दूसरे कंपनी के साथ, फेसबुक इसका ऑनर है। प्रोफाइलिंग ऑफ इंडिविजुअल यूजर है ऑलरेडी बीन वेल डॉक्यूमेंटेड, तो ये ऑलरेडी हो रहा है आपका। इट इज पॉसिबल टू एक्सट्रैक्ट मेटा डेटा फ्रॉम डॉक्यूमेंट दैट आर एक्सचेंज ओवर कम्युनिकेशन ऐप विद डाइल्यूटेड प्रीवीसी पॉलिसी, तो आप मेटा डेटा से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जो आप बिजनेस वर्जन पे भी कर रहे हैं उससे भी आप मेटा डेटा बाकी चीज़ों का ले सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने जो बेसिकली अभी गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए ये बताया इन्होंने, तो व्हाट्सएप तो है ही, उसके अलावा एडटेक ऐप जो होते हैं जैसे कि हम जो अभी देख रहे हैं आजकल ज़्यादातर एजुकेशनल ऐप जो हैं जो कि ऑनलाइन पढ़ाई के लिए ऑनलाइन टेस्ट के लिए जो खोले गए हैं उसमें एथिक्स, वो भी बेसिकली डेटा प्रोफाइलिंग कर रहे हैं लोगों का। तो इंडिया को क्या जरूरत है, एक कंप्रिहेंसिव एथिक्स पॉलिसी लाने की जरूरत है गवर्नमेंट को, और डेटा प्रिवेसी लॉ जैसा कि यूरोप का आपका है GDPR, तो इस तरह से जो है इंडिया को भी कानून लाने की जरूरत है और इथिक्स पॉलिसी लाने की जरूरत है ताकि इन चीजों से हम बच सकें। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल जो अभी भी है ना बेसिकली लागू नहीं हुआ है, तो इसको भी हमें लागू करना चाहिए, इसको पास करना चाहिए, उसके साथ साथ जो एथिक्स इसमें नहीं है बहुत सारी चीजें जो नहीं है उसको हमें लाने की जरूरत है। नीड टू बी रिफॉर्मुलेटेड टू इंश्योर दैट इट फोकस ऑन यूजर राइट्स विद एन एम्फेसिस ऑन यूजर प्राइवेसी, तो हमें डेटा प्रोटेक्शन बिल में ये चेंजेस करने की जरूरत है। प्रीवेसी कमीशन हमें बनाने की जरूरत है, स्टेब्लिश करने की जरूरत है जो इसको राइट्स को इन्फोर्स कर सके, और गवर्नमेंट वुड आल्सो हैव टू रिस्पेक्ट द प्राइवेसी ऑफ सिटीजंस व्हाइल स्ट्रेंथनिंग द राइट ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो ये बेसिकली गवर्नमेंट के लिए सजेशंस इन्होंने दिया कि क्या हमें प्रीवेसी के केस में करने की जरूरत है, एथिक्स के केस में करने की जरूरत है। नेक्स्ट जो आपका आर्टिकल है ये आपका कॉन्गो वोल्केनो स्पेयर्स गोमा सिटी, 5 डाइंग क्रैश व्हाइल ट्राइंग टू लीव। तो ये बेसिकली गोमा सिटी का आप देख रहे हैं, बेसिकली डेब्रिस जो है वोल्केनो का ये पूरा फैल गया है। तो ये कहाँ पे आया है आपका, कॉन्गो का माउंट नियारांगो कोंगो, इसमें लावा जो निकला है बेसिकली गोमा सिटी जो है वहां बगल में उस पे वहां पे फैल गया है। तो ये आपका मैप के लिए मैंने रखा है, मैप लोकेशन गोमा सॉरी कार्गो का कॉन्गो का मैप लोकेशन आप ध्यान में रखें। ये आपका जो है DRC जो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जिसका पूरा नाम जो है इक्वेटर इसे बीच से पास करता है, तो ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। इक्वेटर से ये बीचों बीच इसके बीचों बीच नहीं थोड़ा नॉर्थन साइड में ये आपका पास कर रहा है, अफ्रीका कंटिनेंट में है ये आपका, लेक विक्टोरिया यहाँ पे आपका है, और ये आप मैप देख रहे हैं लोकेशन ये आपका साउथ अटलांटिक ओशियन है यहाँ पर। और इसकी बात करें अगर हम वॉल्केनो की, तो ये यहाँ पे आया आपका, ये गोमा सिटी है, ये इसकी आपका ईस्टर्न बॉर्डर में आप ये देख रहे हैं ये गोमा सिटी और ये माउंटेन है, ठीक है। तो ये आप मैप लोकेशन के लिए मैंने बस रखा है इसको, मैप लोकेशन आप जो है बहुत बार पूछा जाता है तो इसको आप ध्यान में रखें। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो एनालिसिस हिंदूज का, होप आपको अच्छा लगा, तो जरूर आप इसको लाइक कर दें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, व्हाट्सएप पे फेसबुक पे टेलीग्राम पे आप इस पर शेयर कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है, नए हैं आप तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहेगी। और जो बाकी हमारे वीडियोज है NCERT का, इकोनॉमी का, जुडिशरी को लेकर के, पॉलिटी को लेकर के, उनको आप जरूर देखें ताकि आपका प्रिपरेशन जो है वो अच्छा होगा। साथ ही साथ हमारा क्विज जो है हमारा डेली हम जो है तकरीबन 5 क्वेश्चंस अलग अलग टॉपिक पे, इन्वायरमेंट हो आपका, इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटी है, उस पर हमारा मॉक टेस्ट है, उसको आप देख सकते हैं, 1 मिनट से कम का वीडियो है, तो आप आसानी से उसको देख करके प्रिपरेशन जो अपना वो अच्छा कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।